देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तुमको क्या पता लव क्या होता है? लव का मतलब दूसरों की लाइफ में खुशियां भरना होता है, ना कि दूसरों की लाइफ में परेशानियां भरना। और इस घर में तो सबने एक दूसरे के घर में परेशानियां ही डाल रखी हैं। तो ठीक है ना, अब जा रही थी ना, जाइए, हम जैसे है वैसे है। रमा तो बहुत बोलती है, बहुत हवा हवाई बातें करती है। आरती तो जा ना यहाँ से, क्यों बहस कर रही है? आई थोड़ा बात करने देना। हाँ तो मैं क्या कह रही थी? हाँ मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारे बाबा की वजह से तुम्हारी सास परेशान है, तुम्हारी सास की वजह से तुम्हारी बुआ परेशान है, और तुम दोनों पति पत्नी की वजह से पूरा चौल परेशान है। और जहां पे इतनी परेशानियां बांटी जाती हूं, वहां पे लव नहीं होता। देखिए रमा, अब... कुछ मत बोलो, कुछ मर्यादाएं होती है उनका पालन करो। तू जाना यहां से। अरे क्यों जाए, क्यों? सही तो कह रही है, इस घर में परेशानियां ही बनती है, प्रेम नहीं। आरती जाओ ना। Bye. बहुत ज्यादा हो रहा है इसका। लक्ष्मी नहीं, जब यहां पर कोई कुछ भी नहीं कह रहा है तो तुम क्यों बोलोगी? रमा चुपचाप खड़ी क्यों है, कुछ बोला क्यों नहीं? लक्ष्मी अगर तुम्हें काम ढूंढने बाहर जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन फिलहाल इनके हाल पे छोड़ दो। क्या हुआ? ये तो वही लड़की है ना जो चाल में सबसे ज्यादा बोल रही थी। देखना तो आप सबको चाहिए कि किसी एक रास्ते पर चले, या तो अपना स्वाभिमान और पहचान किसी से कम नहीं है इस रास्ते पर चले जो भीम और रमा हमेशा कहते रहते हैं, या तो दूसरे रास्ते चले जैसे कि हमारी पूरी जात चलती है, ये मानकर
कि हम छोटी जात वाले हैं। कुछ मत बोलो, कुछ मर्यादाएं होती है उनका पालन करो। ऐसा तो बड़ा बोलती है, वहां कुछ बोला नहीं गया जबकि पति परिवार सब था। अब यहाँ आके क्या खड़ी हो गई? चल 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 नहीं, अब मेरी बात सुन। आइंदा से अगर चाल में आएंगे ना तो हमारे परिवार से मत उलझिएगा। तो मेरे पति ने कह दिया कि चाल में आपसे कुछ कहना मर्यादा के खिलाफ है, इसलिए यहाँ आई। अच्छा, तो ये सब भीमराव के दम पर कूदा जा रहा है। सुना है भीमराव लंदन अमेरिका पढ़ने जाना चाहता है, जो कि होगा नहीं कभी, क्योंकि वहां तक सिर्फ बड़े लोग या डेविड जैसे लोग ही पहुंच सकते हैं। स्वीट तो खिलाई ना रमाबाई, अब एक राय भी लेती जाओ। सपने वही देखो जिसे देखकर लोग बातें ना बनाए, मजाक ना बनाए, तो लाइफ हैप्पी हैप्पी रहेगा। क्योंकि राइट हमेशा आरती होती है और बाकी सब रॉन्ग। होंगे आप हर मामले में राइट, लेकिन इस मामले में आप गलत है कि मेरे पति लंदन अमेरिका जाकर पढ़ नहीं सकते। वो जरूर जाएंगे, पर आप भी देखिएगा। लगता है तुम्हें चुप कराना पड़ेगा। हम संघर्ष करने वाली जात अगर चुप हो गए तो हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा? हाथ छोड़ मेरा, छोड़, हाथ छोड़ मेरा, यू छुड़ाइए ना। हाँ छोड़ आरती जी, ये रमाबाई अंबेडकर अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती है, और ये बात अच्छे से याद रख लीजिएगा। छोड़ मेरा हाथ, ये पुअर वुमन। अब अमीर है ना, छुड़ा लीजिए। लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा, तभी हाथ छोड़ेगी। ऐसे नहीं मानेगी तू, छोड़ मेरा हाथ। चाल ढूंढ कर आई हूँ, कहीं नहीं है। अंदर खाना आधा छोड़कर गई है, वो बनाएगा कौन? कहीं गई होगी, आ जाएगी। आ जाएगी मतलब मैं उसका इंतजार करते बैठूं? आप लोगों का पेट तो रमा और भीम की बकवास बातों से भर जाता है, मेरा पेट नहीं भरता। भीम, अरे उसे क्यों बुला रही है? वो पढ़ाई कर रहा है, उसे क्या पता कहाँ गई होगी। वो पढ़ रहा है, उसे हमारा क्या लेना देना। क्या हुआ भीम? कुछ नहीं, तू जा पढ़ाई कर। जीजा भाई, मैं जाकर देख कर आती हूँ। भीम जाओ और ढूंढो अपनी पत्नी को, ये खाना आधा बनाकर छोड़कर चली गई है। क्या तुम्हारी ये अपाहिज बुआ जाएगी और ढूंढेगी उसे? जाओ, जिम्मेदारियां सिखाते हो ना सबको। देखो तुम्हारी खुद की बीवी ही गैर जिम्मेदार बनी हुई है। रमा, देखिए। रमा कुछ मत बोलो, कुछ मर्यादाएं होती है उनका पालन करो। मैं देख कर आता हूं। क्यों नहीं छुड़ा पा रही है? आइंदा से कभी मुझे चुप कराने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे जात वालों के पास एक आवाज ही होती है जिसे वो उठाते रहे तो एक दिन सब कुछ बदल सकता है। मैं भी तुम्हारी जात की हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह ऐसे गला फाड़ फाड़ कर लाउड आवाज नहीं उठाती रही, बल्कि बड़े लोगों के घर जाकर आसरा मांगो। और आज देखो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, बिग बिग लेडी। बड़ी हो गई है, बात छुड़ा के दिखाई।
बहुत महंगा पड़ेगा, छोड़ दे मेरा, छोड़। छुड़ाइए? हाँ छुड़ा सकती हूँ मैं, छुड़ाइए ना। छोड़ दे मेरा हाथ, तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, मैं बोल रही हूँ। पुरुष होकर एक स्त्री पर पीछे से कायरों की तरह वार करते हो, गलत है ये। अब जाइए यहां से, और रमा ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। कोई माफी वाफी नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। रमा, रमा सुनो मेरी बात, तुमने जो किया वो सही नहीं किया। हाँ मुझे खाना भी बनाना है, भाई मेरा वहां इंतजार कर रही होगी, अभी जाकर मंगाती हूँ। रुक जाओ रमा, रुक जाओ, ऐसी मेरी बातों को समझकर दरकिनार मत किया करो। मैं समझ रही कि अब क्या कहना चाहते हैं, यही कि मुझे वहां उनका हाथ पकड़कर कुछ नहीं कहना चाहिए था, अगर मैंने जो भी किया वो सही किया। वो आपके खिलाफ बोल रही थी कि आप लंदन अमेरिका जाकर पढ़ नहीं सकते, ये सब सुनकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बर्दाश्त नहीं कर सकती का क्या मतलब है? हर बार जब बुरा लगता है तो बोलना जरूरी नहीं होता, कई बार चुप रहना भी सीखना चाहिए, वो जरूरी होता है। आपके लिए चुप रहना जरूरी होता होगा, मेरे लिए नहीं। रमा, रमा। शोभा बुरा मत मानना, लेकिन तू जैसी है ना वैसी तेरी बहन नहीं है, वो थोड़ी असंस्कारी है। दीदी असंस्कारी नहीं है, बस थोड़ी मुफट है, जो मन में आता है बेझिझक बोल देती है। वो क्या है ना दीदी, उसका ना बचपन से ही सपना रहा है खूब पैसे कमाना, बड़ा आदमी बनना, बस ये असर उसका ही है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन आज जो मैंने देखा उस पर मैंने ये कहा। वाह तुम्हारा कमाल करा थो, है? मतलब तुम्हारा भतीजा भीमराव उस अपना देखत है, बड़ा आदमी बना चाहत है, तो तुमका बहुत अच्छा लागत है। और अब जब ये शोभा की बहनी आरती उस अपना देखत है, बड़ा बना चाहत है, तो तुमका बुरा लग जाता है, और इतना बुरा लग जाता है कि ओकर शिकायत करने लागत हो। वाह तुम तीनों जाओ यहाँ से, तुम लोग नहीं समझोगे। अरे काहे नहीं समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो समझाओ ना कि कैसे भीमराव के बड़ा आदमी बने का सपना और आरती के बड़ा आदमी बने का सपना अलग है। अब हमारी नजर में तो भीम और आरती दोनों बराबर हैं, और दोनों के सपना भी बराबर हैं, बस तरीका अलग है। और हमारे हिसाब से तो भीमराव के तरीका से आरती का तरीका ज्यादा सही और ज्यादा कारगर है। चोखू भाव आप जाइए यहाँ से, क्यों चीजों को बढ़ा रहे हैं? और दीदी कुछ कह रही हैं तो सही कह रही हैं, उनका हक है। हक तो ठीक है, लेकिन ये बात कब समझेंगे कि सब भीम के समर्थक एक जैसे हैं? इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है कि कौनो भीम से ज्यादा आगे निकल जाए। और मेरे पति के दुश्मन भी एक जैसे ही है। मेरे पति खुद को बढ़ाने की बात नहीं करते, वो हमेशा एक व्यक्ति से ज्यादा समाज को बड़ा समझते हैं। उन्हें समाज के विकास की चिंता है, वैसे हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर इस बात के लिए अकड़ते नहीं कि वो बाकी उनसे बड़े हैं, बल्कि लड़ाई लड़ते हैं ताकि हर किसी के थाली में भूख मिटाने के लिए रोटियां हो। साहेब मेरे साहेब।
और आप? और कुछ नहीं, चलो अंदर। क्यों अंदर चल, बोलने दीजिए। पर आप हर जगह मुझे चुप नहीं करा सकते। जिसके जो मन में आएगा, जो मन करेगा, वो आपके खिलाफ नहीं बोल सकता है। आप तो कभी किसी को कुछ बोलते ही नहीं, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं बोलूंगी। शोभा काके, आपकी बहन आई है ना, उन्हें भी समझा दीजिएगा कि मेरे पति के खिलाफ एक शब्द भी ना बोले। आज तो बहुत सारी मर्यादाओं के कारण मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। रमा ताई, मैंने तो सोचा था कि मैं ये मिठाई मौसी के जाने के बाद सबको खिलाऊंगा, लेकिन मौसी ने भीम भैया के खिलाफ कुछ ऐसा बोला है जिससे आप इतने नाराज हो, तो मुझे नहीं खानी है मिठाई। दीपक, क्या है ये सब? ऐसे किसी की दी हुई मिठाई फेंकते नहीं है बेटा, पकड़ो। इस बच्चे को जो सही लगा वो उसने किया। मुझे लगता है कि इसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। देख लो कि भीम और रमा के चक्कर में इतनी महंगी मिठाई का नुकसान हुई गवाना। और ये बात का ना ऐसे भी समझ सकत हो कि अब ये भीम और रमा दोनों तुम्हारे घर का नुकसान कर अब चालू कर दिए हैं। आपके खिलाफ बोल रही थी कि आप लंदन अमेरिका जाकर पढ़ नहीं सकते, वह सब सुनकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बर्दाश्त नहीं कर सकती का क्या मतलब है? हर बार जब बुरा लगता है तो बोलना जरूरी नहीं होता, कई बार चुप रहना भी सीखना चाहिए, वो जरूरी होता है। रमा, मैंने आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया। हिसाब समझ में नहीं आ रहा, बता दीजिए, बहुत कठिन है। मैं जानता हूँ तुम नाराज हो। ये हिसाब बता दीजिए ना, पढ़ाई के समय कैसी बातें कर रहा है? दशमलव 1% और 0.01% में बहुत फर्क है। इस दशमलव के बाद शून्य जितने ज्यादा होंगे, संख्या का मूल्य उतना ही कम होता जाएगा। अभी इस सवाल का हल मैं यहां लिख कर देता हूं, तुम एक बार पढ़ो। एक बार देख लो, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लेना। सुनिए, दशमलव के आगे असंग को शून्य लगाने के बाद जो मूल्य होगा ना, उतना ही मूल्य मेरे जीवन में उन लोगों का है जो आपके सपने
आपकी प्रतिभा का अपमान करते हैं और हम इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी जात भी किसी से कम नहीं है, हमारी भी अपनी एक पहचान है। अगर इस बात के लिए मैं किसी से लड़ूंगी नहीं कि मेरे पति क्या है, वो क्या कर सकते हैं, और किसी से फैसला सुनाऊंगी।